घास में जाके बैठ चुके हैं। हेलमेट भी नहीं है। हाउ कैन ही टेक दिस फाइट इफ ही विंस? हाउ डिड यू डू दिस? This was not at all BTR's game. We'll see. घास में जाके बैठ चुके हैं। How can he take this fight? If he wins, he won't. If he wins, if he somehow wins, this will be a miracle. If he somehow wins, that will be a miracle. फाइट लेने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना। सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, वो चीज आती है फुटबॉल से। एक और चिकन डिनर ले सकती है अगर वो लेना चाहे, बट नोवा एक्सक्यूपी नहीं रुकना चाहेगी। 5 किल्स है इस टीम के पास, किल नंबर कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहेंगे। ग्रेनेड जा रहे हैं बट वो जोन के भी बाहर जा रहे हैं, ये उनके लिए खराब चीज बन चुकी है। लेकिन अब उनको सर्कल में आना, 8वां जोन धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। इस सब के अंदर बीटीआर के राइजन काफी करीब। देखिए सोल के पैर दिख रहे हैं, राइजन के पैर यहां पर दिख रहे हैं, बस सोल के वहां पर नोवा एक्सक्यूप को देख रहे हैं। राइजन, राइजन इज देयर, शूट हिम, नो, पैराबॉय डाउन हो चुके हैं। राइजन अभी भी अकेले बचे, फाइट निकाल रहे, कैन ही सर्वाइव, कैन ही नॉट? एक पैर बचा यहां पर, लोवास इन वर्सेस राइजन, कैन ही टेक इट? रेडी टेक्स इट। बीटीआर, हाउ डिड यू डू दिस? दैट वाज 200 IQ। बीटीआर, हाउ डिड यू डू दिस? Footballers, they just play themselves. मैंने दो दिन पहले ये चीज, दो दिन पहले नहीं, या दो या तीन दिन पहले मैंने ये चीज बोली थी, आज फिर से बोलूंगा, मेरा मार पे कुछ भी होता है। Let's take a moment of silence. हमें standings कब दिखाई जाएगी मुझे बता दो। How did you do this? This was not at all BTR's game. We know exactly how they did this. Ryzen का objective बस second position तक आना था। अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि footballers ने उनको मारा नहीं।